भाइयों बहनों, 2000 के नोट 30 सितंबर के तारीख से अवैध घोषित हो सकते हैं। मोदी जी को कल ये बात बोलना चाहिए था, लेकिन ये देखने का जो मेरा सपना है लगता हुआ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि भाई आज आपको बहुत जरूरी खबर बताने आया है। जो नोट में चिप था, एनजीपी चिप यानी नैनो जीपीएस चिप, बताए थे ना बड़ा न्यूज चैनल वाले लोग, वो नोट को लेके आरबीआई जो है वो नोटिस जारी किया, सर्कुलर जारी किया है। बोला कि जितना 2000 वाला नोट है वो सबको अपने पास नहीं रखना है, बैंक में वापस कर देना है। ठीक है, 23 मई से लेके यानी कि कल से लेके 30 सितंबर तक तारीख है कि आप बैंक में जमा करा सकते हैं 2000 वाला नोट। बाकी उसके बाद नया नोट आएगा कि नहीं आएगा उसका तो पता नहीं है, लेकिन जो 2000 वाला नोट है वो तो जा रहा है। अब आरबीआई नोट बदलने बोला है तो इसका मतलब इतना ही कि एक दिन घर का सारा पैसा ले पहुंच गए बैंक की, सर बदल दीजिए बदल दीजिए, नहीं, एक दिन में खाली 20,000 बदलवा सकते हैं। इस पर एक जानकारी दे देते हैं आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो बैंक में खाता है वहीं जाना है, नहीं नहीं, कोई भी बैंक में जाके नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन 20,000 एक दिन में। प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि अब समय आ गया है फ्रीज से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, इसलिए 2000 वाला नोट को अब जाना पड़ेगा। लेकिन बात तो है, जहां छापा मारता था ईडी या इनकम टैक्स वाला लोग, खाली 2000 का नोट निकलता था उससे ईडी लोग क्या करता था, वो पैसा से फोटो खींचने से पहले से वो पैसा से लिख देता था ईडी। हैं, खैर ये सब तो अलग बात हो गया, लेकिन हमको जो लग रहा है कि काला धन इस बार पक्का खत्म हो जाएगा जैसे 2016 में खत्म हो गया था। एक जरूरी बात ऐसा है कि 2000 का नोट फिलहाल लीगल टेंडर रहेगा, मतलब वैध रहेगा, लेकिन कब तक ये तो 30 सितंबर के बाद पता चलेगा। यही ले आरबीआई बोला कि नोट जो है सब वापस बैंक में जमा करा दीजिए। खैर ये नोट को तो जनता लोग जो है अपना अलमीरा से निकालेगा और बैंक में जमा करेगा। अलमीरा से इसलिए निकालेगा काहे कि वो जमीन में तो गाड़ के नहीं है रखा होगा, ताकि जमीन में गाड़ के रखता तब पकड़ा जाता ना सीधा सेटेलाइट से। 2000 का नोट में जो चिप था उससे पकड़ा था। बाकी बात का खुशी मनाइए कि देश में भ्रष्टाचार जो है खत्म हो रहा है, इसलिए अब 2000 का नोट को अलविदा कहने का समय आ गया है। इस बार लेकिन एक चीज अच्छा हुआ कि 30 सितंबर तक का समय दिया गया, आरबीआई समय दे दिया 30 सितंबर तक जमा कराइए, ये नहीं कि कल है नोट बंद। ऐसे में आम आदमी लोग हचकचा जाता है, अमीर आदमी लोग जिसके पास पिंक ब्लैक मनी होता है उसका तोता उड़ जाता है। लेकिन 30 सितंबर ठीक टाइम मिला है, तब तक सब स्मूथ रहेगा। ये नहीं कि एक बार पहुंच गए जमा करा दिए, नहीं, इस बार कोई नाली या कचरा पेटी नोट का गड्डी उड्डी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जैसे ही खबर सुने तो हमको पहले बोला बैन हो गया तो हमको लगा कि बैन हो गया तो हम सीधा पहुंच गए बड़का नाला के पास, बहुत देर खड़ा रहे कि कोई ना कोई तो नोट का गड्डी फेंकने आईवे करेगा, तो वहाँ से एक आदमी पार हो रहा था तो बताया कि बैन नहीं हुआ है, बैंक उसको वापस ले रहा है और अभी लंबा टाइम, तभी कोई फेंकने नहीं आएगा, तुम घर जाएं। दिल टूट गया मेरा, छन से टूटे कोई सपना हो गया मेरे साथ। खैर इस सबसे हमको क्या, हम जा रहे हैं बैंक नोट बदलवाने नहीं, मेरे पास पैसा कहाँ है, पैन से आधार लिंक कराने जा रहे हैं, लेट हो रहा है, 30 जून तक उसका भी आखिरी डेट है, देख लीजिएगा। बाकी तो जो है सो है ये है, कल से लाइन में लग के नोट बदलवा लीजिएगा, लेकिन एक दिन में 20,000। धन्यवाद।